ग्रेविटेशन एक नाम है किसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, किसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसका नाम हमने क्या रखा है, ग्रेविटेशन रखा हुआ है। कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जितनी भी कोई कोई बॉडीज हैं, हर एक बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है व्हाट इज ग्रेविटेशन, इट इज अ नेम ऑफ, किसका नेम है ये, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये एक फोर्स का ही नाम है जिसको बोला गया ग्रेविटेशन, ठीक। तो ग्रेविटेशन एक फोर्स है, और कैसी फोर्स है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है ना। फोर्स दो तरह की हो सकती है, रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स। और जो ग्रेविटेशन है वो कैसी फोर्स है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसी फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। अब जैसे ही हम ग्रेविटेशन का नाम सुनते हैं, हमें एक चीज पढ़नी पड़ती है, वो क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, ये क्लास 9th में हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। न्यूटन का लॉ सिंपल सा लॉ है, ये लॉ कहता है कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, कि हर एक बॉडी इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, और इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं, ठीक है। समझाया, समझाई, यही स्टेटमेंट है किसकी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। समझाया कि इस दुनिया में जितनी चीजें हैं ना, हर एक चीज को अट्रैक्ट कर रही है। जैसे मैं इस बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये बोर्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ बैठे बैठे सन को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, सन मुझे भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो हर एक चीज है ना, यहाँ पे सन मून को अट्रैक्ट कर रहा है, मून सन को अट्रैक्ट कर रहा है, सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ सन को अट्रैक्ट कर रहा है। जितनी भी चीजें तुम सोच सकते हो ना इस दुनिया में, जो आपको दिख रहा है, हर एक चीज को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशन, उसको कहते हैं ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं, देखो ग्रेविटेशन एक फंडामेंटल फोर्स है। क्या है ये एक फंडामेंटल फोर्स है। आपने जब हमने क्लास 11th की फिजिक्स शुरू की थी, तो तुम्हें मैंने फोर्सेस के बारे में बोला था, और उस फोर्सेस में हमने देखा था कि चार तरह की फंडामेंटल फोर्सेस थी, याद आपको है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके बाद हमने पढ़ा था क्या कहते हैं उसको, वीक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। ये चार तरह की फंडामेंटल फोर्सेस थी। उस चार तरह की फंडामेंटल फोर्सेस, पहले हमने क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था, है ना, थोड़ा बहुत अगर तुम्हें याद होगा तो। ग्रेविटेशन एक फंडामेंटल फोर्स है, और ये जो चार हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस होती है ना, उसमें सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे वीकेस्ट कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये बड़ी वीक फोर्स है, इसलिए आमतौर पर हमको ये ऐसे इतनी इजीली ऑब्जर्व करने को नहीं मिलती, खासकर उन बॉडीज में जिनका मास लग लग बराबर है, तो हमें इतना ऑब्जर्व करने को नहीं मिलती। जैसे मैं इस मोड़ को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं हो रहा ना चुंबक की तरह मैं इसकी तरफ जा ही रहा हूँ, है ना, नहीं हो रहा ऐसा, ठीक है। तो इसीलिए नहीं हो रहा, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी ज़्यादा वीक है, ये इतनी वीक है कि इसको हम इवनली ऐसे तो कोई सिंपल वे में इसको देख नहीं सकते। हाँ, अगर बॉडी का साइज में बड़ा ज्यादा डिफरेंस हो, एक बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी हो और एक बॉडी बड़ी छोटी हो, तो हम उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए देख सकते हैं, उसकी तरफ जाते हुए देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अर्थ, और जैसे ये पेन है, तो मैं इस पेन को छोड़ूंगा तो ये अर्थ की तरफ जाएगा, किसकी वजह से आ रहा है, इसी ग्रेविटेशन की वजह से आ रहा है। और अर्थ के केस में इस ग्रेविटेशन फोर्स का नाम क्या होता है, ग्रेविटी होता है। क्या होता है, ग्रेविटी। ग्रेविटी इज अ स्पेशल नेम ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। वो एक स्पेशल नेम है किसके लिए, ग्रेविटेशन के लिए, जिसमें दो बॉडीज में से एक बॉडी कौन होती है, अर्थ होती है। इसके बारे में हमने कल और डिटेल में भी बात करनी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि एक सबसे वीकेस्ट फोर्स है, इसीलिए आमतौर पे हमको ये ऐसे अट्रैक्शन तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दिखे पूरा बॉडीज एक तरफ दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई देंगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज इट इज अ वीकेस्ट फोर्स, बड़ी वीकेस्ट फोर्स है। लेकिन वीकेस्ट होने के बावजूद आप देखोगे जितनी भी हमारे पास ये यूनिवर्स है, जितना भी हमारा सोलर सिस्टम है, सारा का सारा किससे बंधा हुआ है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स से ही बंधा हुआ है ना। सन अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को, ठीक है, इसी की वजह से क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रही है, और इसी की वजह से क्या हो रहा है, अर्थ रोटेट कर पा रही है सन के अराउंड, है ना। तो जितना भी सोलर सिस्टम है ना, जिस भी पोजिशन में आई है, जैसे भी इलिप्टिकल पाथ में प्लैनेट्स इस सन के अराउंड जो है वो रोटेट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशन, है ना। ये जो गैलेक्सीज है, मतलब जितनी भी चीजें बाइंड होकर बैठी हुई है ना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें है ना, तो ये सारी सारी किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन। तो मतलब वीकेस्ट होने के बावजूद ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस विदाउट दिस ग्रेविटेशन पॉसिबल ही नहीं है ना। यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस विदाउट दिस ग्रेविटेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट तो है, बट फिर भी बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना भी दुनिया जो है वो नहीं हो सकती है। तो अब न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है, बड़ा सिंपल सा लॉ कहता है, कहता है एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब थोड़ा सा इसने और इसको क्या कहते हैं, इसको आप कह सकते हो और सिंप्लीफाई वे में क्या बोला, जैसे देखो सपोज करते हैं
कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, ठीक है, एक बॉडी का मास m1 मान लो, एक बॉडी का मास m2 मान लो, ठीक है, लेट अस कंसीडर देयर आर टू बॉडीज। तो डेरिवेशन क्या है इसकी, डेरिवेशन समझते हैं इसकी। इसका फार्मूला आता है हमारे पास एक, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक फार्मूला है, उस फार्मूले को हम यहाँ पे ड्राइव करने वाले हैं, ठीक। तो पहले तो तुम्हें पता स्टेटमेंट तो याद होगी होगी, क्या कहती है स्टेटमेंट, ठीक है, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज नोन एज ग्रेविटेशन, ठीक है, हर एक बॉडी इस दुनिया में हर एक बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। बट सिंपल सी स्टेटमेंट है। अब डेरिवेशन में ये देखो क्या इसका फार्मूला क्या आता है, हम देखेंगे अब इसका फार्मूला क्या आता है। क्लास नाइन में देखा होगा तुम लोगों ने इसका फार्मूला, तो देखो पूरा ड्राइव करके देखेंगे। तो न्यूटन ने ये कहा कि भैया अगर तुम्हारे पास दो बॉडीज हैं और उन दो बॉडीज का मास मान लो, एक का मास m1 है एक का मास m2 है, ठीक है, तो लिख देंगे इसको, लेट अस कंसीडर क्या कंसीडर करें बताओ, क्या लिया मैंने, देर आर टू बॉडीज है ना, देर आर टू बॉडीज, कितना कितना मास है इनका, हैविंग मास m1 एंड m2, हैविंग मास m1 एंड m2। सपोज करो हमारे पास दो बॉडीज जिनका मास क्या है, m1 और m2 है। अब सपोज कर लो, इसको यहां से यहां लिखता हूं, मास इसका मान लो m1 है, इसका मास मान लो m2 है। अच्छा अब सपोज कर लो कि इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना हम लोगों ने, ठीक है, सरफेस टू सरफेस नहीं लेना, सेंटर टू सेंटर। तो सेंटर टू सेंटर जो इन दोनों के बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है मान लो वो कितना है, वो r है, कितना है, r है, ठीक है। इसीलिए इसको ना सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कैसी फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, क्यों, क्योंकि ये सेंटर टू सेंटर एक्ट करती है, ठीक। तो सपोज कर लो व्हाट इज दिस आर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, डिस्टेंस बिटवीन आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बॉडीज है ना, सेंटर टू सेंटर चलो ना, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू बॉडी, ठीक है, सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज कौन कौन सी, हैविंग मास m1 एंड m2, यही जो बॉडी जिनका मास m1 और m2 है, सही है। अब कहता है न्यूटन, न्यूटन कहता है भाई ऐसा है अगर तुम्हारे पास दो बॉडीज हैं जिनका मास m1 और m2 है और बीच का डिस्टेंस अगर r है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तब कहता है ये जो तुम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हो ना, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है भाई साहब, वो कहता है कि जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या कहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू बॉडीज, ये जो मास है ना दो बॉडीज के, इनका आपने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, ठीक है, ये आ गया m1 into m2, और यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, समझ आया। तो अच्छा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, अच्छा इन दोनों फैक्टर्स को अगर मैं कंबाइन करता हूं, कंबाइनिंग बोथ फैक्टर्स अगर दोनों फैक्टर्स को कंबाइन किया जाता है तो देखो क्या होगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अच्छा अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाए तो क्या होगा, यहां लिख दूं तो आएगा हमारे पास एफ इजिकल टू, यहां पर लिखते जी एम वन एम टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, सही है। अब देखो यहां पे ये जो जी है ना, ये जो मैंने नया इंट्रोड्यूस किया, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या कहते हैं इसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। इसकी कुछ वैल्यू होती है क्योंकि कांस्टेंट तो कुछ वैल्यू होगी, क्या होती है, 6.67 × 10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, व्हाट इज दिस जी, इट इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू ये होती है, समझ आया। तो न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन सिंपल सा लॉ है, कहता है इस दुनिया में जितनी चीजें वो हर एक चीज को अट्रैक्ट कर रही है विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन। फिर उसने ये बोला कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, बस सिंपल सी तो बात है। उन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला आ जाता है, F physical to G m1 m2 divided by r square, ठीक है, divided by r square। अच्छा ये जो gravitational constant है, यहीं पे हमारा काम खत्म है, बस खत्म, यहीं पे formula खत्म। इस formula के basis पे ढेर सारे numericals आपको करने हैं। अच्छा अगर आपको gravitational constant की definition को पूछे, what is gravitational constant, होती तो चलो उसकी value ये है, but अगर definition आए exam में तो उसको define कैसे करोगे, देखो define करना बड़ा easy है। Suppose करो अगर if अगर मैं कहता हूँ यार m1
बराबर है m2 के, और ये दोनों बराबर है किसके 1 kg के, मतलब यूनिट मास है, ठीक है। और अगर डिस्टेंस जो है वो अगर 1 मीटर है, मतलब यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि आपके पास f किसके बराबर आ रहा है, g के बराबर आ रहा है। और ऐसे बोल दूं, बोलना आसान हो जाएगा, इसीलिए ऐसे लिखूं, क्या मैं g इज इक्वल टू f लिख दूं। अब इसको देखो, कुछ नहीं करना तुमने, रीड करना सीखना है, सिर्फ इसको रीड करना सीखना है तुमने, और ऑटोमेटिकली तुम्हें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन आ जाएगी। व्हाट इज दिस, इट इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाट इज दिस इक्वल टू, व्हाट इज दिस एफ, इट इज अ फोर्स ऑफ, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप बोलोगे द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ टू बॉडीज हैविंग यूनिट मास सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। सिंपल सी बात है ना, यूनिट मास है ना, यूनिट मास मतलब 1 kg है, और यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 मीटर है ना। तो तुमने क्या बोला, बोला व्हाट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द व्हाट इज दिस एफ, इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज हैविंग यूनिट मास सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। अगर आप 1 kg के दो मासेस लेते हो, उनको 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखते हो, ठीक है, अगर 1 kg का मान लो, ये 1 kg, 1 kg है, ये 1 kg का मान ऐसे रखे, दो मासेस रखे और 1 मीटर का डिस्टेंस रखा इसके बीच में, अभी तो इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो इनमें उस टाइम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना, वही है कौन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है वो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और देख रहे हो वैल्यू क्या आ रही है, 10^-11, ये बात देखने वाली है यहाँ पे, 10^-11 है, तो बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाली है ना। तो इसकी डेफिनेशन खुद लिखो, व्हाट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज हैविंग यूनिट मास सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, ठीक है, खुद लिखो इसको, इसको कोई रटा वटन चढ़ा, तुमने खुद लिखनी है डेफिनेशंस, समझो और लिखो, है ना, कितना आसान। लिख दिया, अच्छा आप इससे कोई न्यूमेरिकल करो, हाँ जरा पास चलेगा, कितना समझ आया तुम्हें। एक काम करो, आपस में निकालो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जिया और राशि निकालो, आपके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अपना मास पता है तुम्हें कितने कितने, कितने कितने के जी हुआ, एक लिखो 20, एक 15, इतना ही है नहीं, है ना, करो फाइन। अगर जैसे ये क्वेश्चन है, इफ अगर मास मान लो m1 की वैल्यू अगर 40 kg है, m2 की वैल्यू अगर 20 kg है, ठीक है, और अगर इनके बीच में जो डिस्टेंस है मान लो, इजी करने के लिए चलो मान लो 10 मीटर है, तो मुझे बताओ व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज, निकालो सिंपल सा न्यूमेरिकल। और देखो कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है, ज्यादा आती है, कम आती है, 10^ में क्या आंसर आता है, सिंपल है ना, देखो क्या ही करना है, एफ इजिकल टू क्या फॉर्मूला, जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज एफ इजिकल टू, जी की वैल्यू क्या, 6.67 × 10^-11। व्हाट इज m1, 4 × 10 लिख दूं। व्हाट इज m2, 2 × 10 लिख दूं, ठीक है, क्योंकि 10^ देख रही है ना मैं, यहाँ पे क्या आर स्क्वायर मतलब 10^2 लिख दूं, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, एफ इजिकल टू 6.67 को मतलब करो 4 के साथ, मतलब करो 2 के साथ, कितना आंसर आएगा, 4 × 8 48 है ना, 48 समथिंग आएगा, 48 समथिंग मान लो 0.26 है, चलो देख लेना कैलकुलेटर से क्या आता है, 10^-11, 10^-11, यहाँ पे 10^1, 10^2 कितना होएगा, 10^2, ये 10^2 ऊपर जाएगी तो -2, ठीक है। तो आपके पास आंसर आएगा फिजिकल टू 48.26 × 10^-11 न्यूटन, यही आएगा है ना। तो देखो आपका जो फोर्स आ रही है क्या आ रही है, 10^-11 आ रही है, तभी मैं कह रहा था ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू बॉडीज इज वेरी वीक, ये बड़ी वीक होती है, इसलिए आप एक दूसरे से इस तरह से अट्रैक्ट नहीं होते हो कि हाँ भाई बिल्कुल ऐसे जैसे मूव कर रहे हो एक दूसरे की तरफ, क्यों, क्योंकि 10^-11 है। हाँ चलो वो देख लेना कैलकुलेटर से, तो कितना आया, 10^-11 है, मेन चीज तो ये दिखने वाली है ना, क्या 10^-11 है, तो सोचो कितनी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जबकि मास एक 40 kg, एक 20 kg है। अच्छा अगर सोचो
आपके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी कम है, जबकि मास एक 40 kg, मान लो अगर यहाँ पे 20 kg होता, 100 kg भी होता, 200 kg भी होता, तभी क्या ही आंसर फर्क पड़ता, बड़ा कम फर्क पड़ता है ना। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन, अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में निकालो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में ये ग्रेविटेशन फोर्स कितनी आती है, तो बड़ी कम आती होगी उसमें, है ना। इसीलिए ना जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं ना, तब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है उसकी हम ज़्यादा बात करते हैं, और जब न्यूक्लियस में घुस जाते हैं तब हम न्यूक्लियर फोर्स की ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि क्या वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट नहीं करती, करती होगी, बट इतनी कम करती है, उसका मास इतना कम है कि हम उसको निगलेक्ट ही कर सकते हैं यार, उसकी जरूरत, क्योंकि देखो इतने बड़े बड़े मासेस के लिए, मतलब अगर 400 kg होता, 800 kg होता, तभी कितनी कम फोर्स आती, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास तो और भी कम है, तो सोचो उनके केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वाली कितनी आती होगी, बड़ी कम आती होगी, है ना। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज निगलेजिबल।